हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आज बहुत खुश हूँ यार, बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने फाइनली व्लॉगिंग का चैनल खोल दिया है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ व्लॉगिंग की। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए। फिलहाल घर पे बैठे बैठे मैं हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए, मैं हूँ आपका अपना वीजे राहुल भाटिया। तो व्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपको पता है, एक बार मुस्कुरा दीजिए। हाँ जी, सत श्री अकाल। अब सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह के टाइम पे ना कुछ इस तरीके से मुंह बन जाता है, क्योंकि यार एक्चुअली ना आजकल कुछ करने को है नहीं। क्या करोगे सुबह सुबह उठ के? एक अच्छी शुरुआत करिए। अच्छी शुरुआत क्या है कि ये हम पी रहे हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें पानी है, थोड़ा सा गर्म पानी है, नींबू है और शहद है। वैसे तो बोला जाता है कि जितने भी अंदर कीटाणु शीटाणु हैं टाइप्स के, मतलब वो मर जाते हैं सारे, लेकिन आजकल जो कीटाणु शीटाणु चल रहे हैं ना भाई, वो तो सबका बाप है। मुझे नहीं पता उससे इससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, लेकिन पीने में क्या जा रहा है। फिलहाल आइए आपको मिलवाते हैं हमारे सबसे इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा इज्जतदार और सबसे ज़्यादा बढ़िया और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हमारे घर के पार्टिसिपेंट से। ये है हमारे घर के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा समझदार पार्टिसिपेंट, जिनके लिए खाना लगा दिया गया है। और ये पहले भाई साहब, हेलो चीकू भैया, भाव ही नहीं दे रहा खाने के टाइम पे। मत पूछो भाई, खाने के टाइम पे जो है ना कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्यों चीकू, सही बात है कि नहीं? ये भाई साहब का नाम है चीकू, ये पहले थोड़ा बहुत भाव खाते हैं उसके बाद खाना खाते हैं। तो चीकू आपको कैसा लग रहा है बताइए, आज आपको कैसा लग रहा है घर पे बैठ के? ये तो भाई साहब कहते हैं कि हम तो घर पे ही बैठते हैं, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। ओहो, ये तो बड़ी फनी बात हो गई है यार। चीकू वाली फीलिंग ना मुझे आ रही है अब। मुझे एक्चुअली में एहसास हो रहा है कि जो चीकू है ना उसको कैसा लगता होगा कि भैया घर में बैठना कैसा होता है। और ये हमारी माताश्री हैं, माताश्री लगी हुई हैं पूजा करने में। मम्मी, मम्मी जी नमस्ते। हेलो। और आप पूजा में, पूजा में क्या मांगना चाहते हो आप? भगवान करे तेरी शादी हो जाए बेटा। मेरी शादी? बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया शादी के, वो दिखा दे दुल्हन आए घर पे। अरे वो ठीक है अभी। हाँ हाँ ठीक है, फ्री हो जाओगे तो मतलब दुल्हन से काम ही करवाना है क्या भाई? काम भी उम्मीद तो रख ही सकते हैं ना, करे जाना करे, उम्मीद तो रख ही सकते हैं ना भाई। पता नहीं, देखो आजकल की जो लड़कियां हैं ना वो काम वाम करती है नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा तो कर लेगी, हेल्प कर लेगी, उसको देख के खुश हो जाए करेंगे। अच्छा थोड़ा बहुत हेल्प करे चलेगा? चलेगा चलेगा। चलो अच्छा ये बताओ, जो अभी वो चल रहा है, जो खतरनाक चीजें चल रही है, तो भगवान से कुछ तो मांगोगे उसके लिए? भगवान से यही मांग रहे हैं कि सब चारों पास से सुख हो, किसी के बिना दुख हो, यही जही खुशी अंकल यही बाबा नान का, ये दुख जो घड़ी आई है सब मिलकर दूर हटाए। भाई बहुत दिक्कत है यार एक्चुअली, मैंने घर से बाहर निकलो मत। आज मैंने वीडियो दिखाई है मम्मी पापा को और वीडियो में ये है कि आप मान के चलो कि हर जगह ही कोरोना है, हर जगह ही कोरोना है, मतलब हर बंदे को कोरोना है। आप ये मान के चलो, किसी को हाथ मत लगाओ, कोई भी चीज़ को हाथ मत लगाओ और बस प्रोटेक्टेड रहो यार। क्योंकि देखो हमारे घर वालों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है, काम भी नहीं है। अगर हम 10 दिन 20 दिन 15 25 दिन जो भी हम काम नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, हम सही सलामत रहेंगे ना तो सब सही सलामत है, पैसा फिर कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माता जी ने तो मांग लिया घर में बहू ले आओ, क्या गाजर मूली टिंडे है क्या? किसी भी सब्जी वाले को बोलूंगा उठा के ले आऊंगा। वैसे भी आजकल क्वारंटाइन चल रहा है, घर से बाहर निकलना नहीं है, तो अब क्या है कि थोड़ा एक दो महीने के लिए तो शांति है, उसके बाद देखेंगे कि मम्मी की जो इच्छा है वो कैसे पूरी करेंगे। फिलहाल एक और स्पेशल चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आज मैंने क्या पहना हुआ है, ये देखो आज मैंने क्या पहना हुआ है। आइए आपको मिलाते हैं चीनी और मीनी से। ये है चीनी, हेलो करो हेलो। ये है मीनी, हेलो करो हेलो। ये चीनी और मीनी है, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे लोग पूछेंगे ये चीनी मीनी खरीदी कहाँ से है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चीनी मीनी खरीदी है मैंने शिमला से। शिमला में कुछ इस तरीके से जो गर्म जो चीज़ें हैं, जैसे वार्म क्लोथ्स हो गए या फिर वार्म शूज़ हैं, वो बड़े अच्छे मिलते हैं। आप कॉमेंट करके बताइए कि आपका दिन कैसा जा रहा है यहाँ पर क्वारंटाइन में, कैसा जा रहा है। मैंने तो चीकू के साथ कुछ 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 मस्तियाँ करी हैं भाई। क्वारंटाइन है इसका मतलब ये नहीं कि आप नहाओ नहीं, मैं जा रहा हूँ नहाने, आप ये वीडियो देखिए। अच्छा भाई लोग हमने नहा लिया है और बात थोड़े से अजीब से हो रहे हैं, हमने मतलब मैंने तो बाल थोड़े अजीब से हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बाल अच्छे से सेट ना हो ना तब तक पर्सनैलिटी में ना मजा नहीं आता, और अभी हम करेंगे बाल चेंज। एलेक्सा टर्न द लाइट ऑन। लाइट चल चुकी है,
अब थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग करेंगे और फिर देखते हैं। बाल जो है थोड़े से सेट हो चुके हैं, उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा हेयर क्रीम। भाई कितना ज़्यादा फर्क आता है एक्चुअली में आपकी पर्सनालिटी में, अगर आपके बाल अच्छे से बने हों या फिर बाल बिखरे हुए हों, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ अगर कभी ऐसा हुआ हो कि आपको ऐसा लगा हो यार काश मेरे बाल थोड़े से और अच्छे होते, या फिर अगर आप अच्छे बना के गए हैं और हवा में या किसी तरीके से या हेलमेट पहनने की वजह से वो बाल खराब हो गए, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी एक बहुत मजेदार चीज हुई आज जो मुझे पहली बार देखने को मिली, मतलब मैं चौंक गया कि सीनियर भाटिया जी ने कुछ ऐसा किया। क्या किया? इतने सालों में पहली बार हो रहा है ये मेरे पिताजी मम्मी के साथ लगे हुए पूजा करने नवरात्रों में। ये देखो इन भाई साहब को क्या दिक्कत है, भाई साहब आपको क्या दिक्कत है? हाँ जी भाई साहब चैन पड़ गया आपको? भाई साहब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीकू जो हमारे घर का सदस्य है जिसका पूरा नाम है चीकू सिंह भाटिया बहुत ज्यादा शरीफ है, जी नहीं बहुत ज्यादा बदमाश है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आता, वो मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। चीकू मैं तो तेरी चुन्नी ले रहा हूं मैं। ये देखिए भाई साहब ये आपकी चुन्नी है, ये मम्मी की चुन्नी है ना, इधर दे। अरे तो हमारे कुत्ते ने मम्मी की और पापा की जो पूजा थी, सुबह की पूजा थी, नवरात्रि चल रही है, नवरात्रों की पूजा तो खराब कर दी, उसमें विघ्न डाल दिया, उनको ढंग से पूजा नहीं करने दी। तो आइए चीकू से ही पूछते हैं कि भाई साहब ऐसा क्यों किया आपने? हाँ जी भाई साहब कैसा लग रहा है आपको पूजा में थोड़ा सा रुकावट डाल के, कुछ कहना चाहेंगे आप इस बात पे? कुछ तो बोलिए। और वहां पर इसको टेंशन हो गई कि चुन्नी वापस कोई लेने जा रहा है, और वापस जाके इसने चुन्नी पकड़ ली। चलो नीचे चलते हैं दांत में फंस गई, चलो नीचे चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। अभी मम्मी को देखते हुए जा बाहर देख क्या कौन आया, जा बाहर देख क्या। भाई क्वारंटाइन चल रहा है, खाना पीना भी जरूरी है, अब बिना खाए पिए तो हम जी नहीं सकते, तो उसमें सब्जियां भी चाहिए। अब बाहर जाओ सब्जी लेने तो पुलिस डंडे मार रही है, आपने तो देखी होंगी बहुत सारी वीडियोस कि पुलिस जहाँ जहाँ डंडे मार रही है वहाँ वहाँ ऐसा लाल हो रहा है, यार मेरा तो मन नहीं कर रहा बाहर जाने का। फिलहाल एक सब्जी वाला नीचे आया है, उससे जानते हैं कि वो प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा। भैया सब्जी लेकर तो आया है लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं जो ख्याल रखनी है वो रख रहा है कि नहीं रख रहा? हाँ जी क्या ले रहे हैं? सब्जी वाले भाई साहब आ चुके हैं और सब्जी खरीदी जा रही है। ओ भैया हाथ पाथ धुला तुम्हारा? ग्लव व्लव पहने? सही है, मास्क वास्क भी पहन के आया है, काफी प्रोटेक्शन है, अच्छी बात है, कमाल की बात है, कोई बंदा नहीं दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है वो ये है, इतना क्लियर स्काई, मैं सोच भी नहीं सकता दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 2.5 जो होता है, ऐसा ही कुछ होता है जो बीच में 450 तक पहुंच गया था, 450 मतलब डेडली, लेकिन अब वो है 50 से कम। सब नेगेटिव न्यूज आई जा रही है यार, घर पे बैठे बैठे भी दिमाग खराब हो गया है, अगर टीवी खोलो तो वहां पर भी नेगेटिव न्यूज आ रही है, इतने पेशेंट्स हो गए हैं, इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, और इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं, मतलब क्या है? एक पॉजिटिव न्यूज तो है कि हम जब होम अरेस्ट हैं, हाउस अरेस्ट हैं, हम घर के अंदर बैठे हैं, तो हमारा पोल्यूशन जो 450 तक पहुंच चुका था वो पोल्यूशन अब 50 से भी कम है। मतलब मैं तो देख के यार मेरे को तो ऐसा दिल किया से
ऐसे सांस भरूं अपने लंग्स में और इतनी कसम से इतना क्लियर स्काई था ना। जब भी मैं फॉरेन कंट्री से आता था ना, मैं तो ये चीज़ बहुत मिस करता था क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन हुआ करता था दिल्ली के अंदर। आपको पता ही है इतनी ज़्यादा न्यूज़ आती थी। मैं पहले बॉम्बे रहता था तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि यार मम्मी पापा दिल्ली में हैं, मैं बॉम्बे में हूँ। तो मैंने एक बार ही क्या हुआ, एयर प्यूरीफायर भिजवा दिया अपने घर पर, लेकिन आपको पता ही है एज पेरेंट्स उन्होंने वापस करा दिया, हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब ये तो अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता था इस मामले में, लेकिन ठीक है, कुदरती यार अच्छी बात हो रही है, पोल्यूशन जो है वो कम हो रहा है। लेकिन ठीक है, नुकसान तो हो ही रहा है, मेरा भी बहुत नुकसान हो गया, पैसे में कितना नुकसान हुआ वो नहीं बताऊँगा। फिलहाल भूख लग रही है, नाश्ते का टाइम हो गया है। अरे बंटी थोड़ी बोलना है, जोर जोर से बोल के सबको स्कीमें बता दो। ये देखो ये खाना आ चुका है, दाल के छीले, हरी चटनी और मीठी चटनी। हरी चटनी, इसमें क्या क्या है? धनिया, हरी मिर्ची। और इसमें? और इसमें गुड़। गुड़? गुड़ और इमली की सौंठ। गुड़ और इमली की सौंठ। ओहो भाई साहब, अब तो घर बैठे बैठे आज तो हो रही है फीलिंग आ रही है शादी की, या किसी शादी में माए हैं भाई। माँ के हाथ का खाना, ओए होए होए। मेरी यार एक इच्छा ज़रूर है, वैसे तो बहुत सारी इच्छाएँ हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि काश मेरे बच्चे भी बोल पाएँ कि मेरी माँ बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मतलब आपकी भी ऐसी इच्छा है, अगर आपकी बीवी कैसा खाना बनाती है, आपकी मम्मी कैसा खाना बनाती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म करते हैं, और आने वाला एपिसोड जो है उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है, उसकी एक झलक मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच ये एपिसोड देखने के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम का एपिसोड मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इसको लाइक कीजिए, नीचे कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और एंटरटेनमेंट जो है वो कम नहीं होने वाला। लेकिन खत्म करने से पहले भी एक बार मुस्कुरा दीजिए, जल्दी मिलते हैं दोस्तों। छुट्टी में घर पर रहते रहते पति को पत्नी से हुआ प्यार, गर्लफ्रेंड से तोड़े सारे रिश्ते। तभी तो इसने गर्लफ्रेंड बनाई ही नहीं है कि कभी कल को ऐसी मुसीबत आए तो गर्लफ्रेंड से नाते टूट जाएंगे। इसलिए गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए, एक बीवी भी होनी चाहिए। बोला पापा ऐसी सलाह दे रहे हैं तो कोई क्या सलाह देगा। ओ कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल।